Another expression explained. Account for एक phrasal verb है और इसका मतलब है पर मुश्तमिल होना. हर phrasal verb एक verb और उसके साथ preposition पर मुश्तमिल होता है, से बनता है. So account for भी एक phrasal verb है, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ख़ास तरीके से होता है. Account for ख़ुद एक verb है. जब वो लिखा जाएगा उससे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात की गई है. सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जमा अकाउंट फॉर लिखा जाएगा, फिर जमा, उसके बाद पार्ट लिखा जाएगा. जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र है उसका हिस्सा लिखा जाएगा. फिर ऑफ लिखना ज़रूरी है और उसके बाद होल लिखा जाएगा, पहले पार्ट और फिर होल. और पार्ट जो भी होगा, या वो फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा. फ्रैक्शन का मतलब 2/3, 7/5, परसेंटेज का मतलब 75%, 30% वगैरह. सो फिक्र में इस तरह इस्तेमाल होता है. नींद इंसानी ज़िंदगी का 30% होती है. स्लीप अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ह्यूमन लाइफ. यहाँ पार्ट 30% है और होल ह्यूमन लाइफ है, और जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो स्लीप है.